क्या हाल चाल गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले शाने और स्मार्ट टिकटॉक के बारे में, जिसे लगता है कि यूट्यूब भी वही बोर्ड चला रहे हैं जो इसकी इंस्टा आईडी पे इमोजी कमेंट करते हैं। हाय गाइस, तो काफी नया लग रहा है ना, अब इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ये जोगिंदर से कम नहीं है, उसने डायरेक्टली फोन करके कहा था कि मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बना दो, और उसने इनडायरेक्टली कह दिया। खैर सुन लेते हैं इसके बाद। बेचारे ने बहुत गालियां खाई इस टॉपिक को ट्रेंड करवाने के लिए। बहुत दिनों से गाइस मैं देख रहा हूँ, मैं हाइफा जाने से पहले एक कॉल किया था, पर उस कॉल की पूरी बातें नहीं बताई गई है, जिससे बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ है और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इसको अलग एक मोड़ देने के चक्कर में थे कुछ लोग, पर वो नहीं हो पाया। ये टिकटॉक की प्रजाति अपनी स्ट्रेटजी बहुत जल्दी चेंज कर लेती है। अपने 1500 फिल्टर वाले इफेक्ट के बाद ये मतलब ऑन कैमरा एकदम नेक्स्ट लेवल ही बदमाश होते हैं। लेकिन जैसे इंटरनेट पे पब्लिक के ही जूते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत स्ट्रेटजी चेंज। इतना बड़ा ई बदमाश, सोच के देखो, 5.5 फुट का है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा ही मानता हूँ ई बदमाशी से। MMA से नीचे तो ये बात ही नहीं करता। ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इन्फ्लुएंसर और पब्लिक फिगर है, तो अपनी पब्लिक इमेज का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसी से दाल रोटी का जुगाड़ होगा। लेकिन घटनाक्रम के 1500 साल बाद इसकी ये वीडियो आ रही है, जिसमें ये टू द पॉइंट बात करने की बजाय इनडायरेक्टली वार्तालाप कर रहा है। तोबा तोबा। और उसके दिमाग का लेवल ये है कि इसे लगता है कि बैकग्राउंड में ये नो कॉपीराइट रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा देंगे तो पब्लिक की गालियां नहीं पड़ेगी। कॉल की पूरी बातें नहीं बताई गई है, जिससे बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ है। तो लल्ला, जब उस कॉल की पूरी बात नहीं बताई गई, तेरे ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशन लग रहे, एक हफ्ते से तू गालियां खा रहा है, तो यार तेरे को ये तो पहले बनानी थी। जब पहली बार किसी ने कहा कि तूने फोन करके ऐसी ऐसी गालियां दी, तो तुम्हें तब भी आना था कि भाई ऐसे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। अब इज्जत बचे ना बचे, इमेज बचे ना बचे, लेकिन कम से कम झूठे एलिगेशन तो नहीं लगने चाहिए। लेकिन जनाब को झूठे एलिगेशन की भी परवाह नहीं है ना, अपने आप को सच्चा प्रूव करने की बजाय महात्मा तो हमारे कंपटीशन मोड में आ गए। हेटर्स गोना हेट, हेटर्स ये, हेटर्स वो। और इस बैकग्राउंड के रिलैक्सिंग म्यूजिक की तरह इसे बिल्कुल रिलैक्सिंग मत समझ लेना ना, अगर इसके ऊपर कोई वीडियो बना देता है तो ये उसे DM करता है कि साले तेरा लुढ़वा दूंगा मैं। अब इस डेड शाने डेड होते इन्फ्लुएंसर ने या तो जोगिंदर की केस स्टडी बारीकी से की है, या फिर ये एक्चुअल में ही गधा है। मेरा इंडिविजुअल एक बंदे के साथ एक कॉल हुआ था और मुझे कहीं ना कहीं खटका, तो मैंने कॉल किया, मैंने भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो एक काम कर, लाइव में सामने से एक दूसरे की रोस्टिंग करते, मैंने ऐसा बोला, और भाई की गाली जबकि उसने दिया मुझे। कितना बेवकूफ है ना ये, इसने रात के 2:30 बजे कॉल किया, इसने शुरुआत में बहन की गाली खाई और उसके बाद एलिगेशन भी इसी के ऊपर लगे, और उसके बाद ये कई दिनों तक कुछ भी नहीं बोला। लेकिन फिर इसे व्हाटवर्क्स के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई ये स्ट्रेटजी तो फेल कर गई, बैकफायर हो चुकी है, ये तो चेंज करनी पड़ेगी हमें, धिक्कार है हम पर। अब बात ये कि इसे लगता है कि था कि इस कॉल रिकॉर्डिंग तो लीक करेगा नहीं, और बिना कॉल रिकॉर्डिंग सुने कोई भी 100% शॉर्टी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, और इसी बात का ये फायदा उठा रहा है ये कहते हुए, और भाई की गाली जबकि उसने दिया मुझे। लेकिन ये तो कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर सकता है ना, इसका तो पुराना रिकॉर्ड है। चैलेंज भी क्या किया, चैलेंज का पूरा थोड़ा सा एक पार्ट बताया उसने, पूरी बात नहीं बताया। तो लल्ला पूरी बात जल्दी से बता, अपलोड कर दे कॉल रिकॉर्डिंग। जब वो मुझे बोला कि तुम मेरी छाती तक आता है, तुझे तो लोगों ने मारा है, तो मैं इससे एडवांटेज उसको ये, तो मैं बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, लीगल फाइट हो जाए किकबॉक्सिंग या MMA, उससे जो भी पैसा बनेगा वो हम लोग चैरिटी में डोनेट करेंगे। ये नहीं बताया उसने, अब क्यों नहीं बताया गाइस, आप लोग पूछो उससे। इस टिकटॉक में मुझे जनरल साइंस और कॉमन सेंस का बहुत ही ज्यादा अभाव देखने को मिल रहा है। ये लाइट फ्लाई में है और वो लाइट हैवी में है, 1.5 फुट का और 1.6 फुट प्लस, ये कैसा कंपटीशन है भाई। या तो इसे लगता है कि तू कितना ही कह ले वो फाइट के लिए आएगा नहीं, तेरे पे दया कर लेगा वो, या फिर तू बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, तूने अपने से ज्यादा वेट पे कहीं फाइट करी नहीं है, अगर तूने कभी कोई कॉम्बैट स्पोर्ट खेला भी है तो। बाकी अगर तेरे को लगे कि तू लाइट हैवी के साथ कम्पीट कर सकता है, तो एक काम करना बेटा, मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मैं तेरे को तेरे वेट से बिठा के और गोबर काट देंगे तेरे रिंग में। और ये ट्रीटमेंट मेरे को लग रहा है कि तेरे लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर तू ऐसे किसी को चैलेंज करता फिरेगा और कोई बढ़िया वाला खिलाड़ी होया, तो फिर तेरे को बहुत महंगा पड़ जाएगा, 3-4 महीने से कम में तो जबाड़ा भी सेट नहीं होता। बता, इतना टिकटॉक नहीं बनाएगा तो कैसे काम चलेगा तेरा, तो लेसन लेना जरूरी है। ये सब सोशल मीडिया की दुनिया एक अलग दुनिया है, जो आपको जो दिखाई जा रही है वो खाली उतनी है, असल में उसके पीछे क्या है वो आपको नहीं पता। तो लल्ला, जब तुम्हें सोशल मीडिया की दुनिया की सारी सच्चाई पता है, तो राई का पहाड़ बनाने की जरूरत क्या थी, फोन करके गालियां देने की बजाय एक ऐसा रोस्ट तुम भी बना सकते थे उस पे। लेकिन नहीं जनाब, को तो दाऊद की नजायज औलाद वाली गुंडागर्दी करनी है फोन करके। तो एक काम करते, दिल्ली की जगह धारावी को नेशनल कैपिटल बना देते, ठीक है। बाकी मुंह का तो मुझे याद है, लेकिन शायद ये भूल गया कि इसकी कुटाई भी धारावी में ही हुई थी। लेकिन यार मुझे धारावी के लोगों से बहुत ज्यादा शिकायत है, तुमने यार पक्का इलाज नहीं किया इसका, अब ये किसी और डॉक्टर से इलाज करवाएगा। उस टाइम अगर मार के बॉडी हो किसकी पासली पुसली तोड़ देते, तो कम से कम आज ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवा रहा होता। हम लोग को प्राउड है, हम लोग के ऊपर, हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर, हमारी ऑडियंस के ऊपर। अब तुम लोग पन्नी छुपने वाले बोलो या पंचर वाले बोलो, हम लोग को भाई, हम लोग को प्यार है उनसे,
तुम लोग के लिए तुम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हो पर हम लोग को प्यार है। थाली में खा के अग्नि की कला इसने धारावी से सीखी है क्या? अब ये पन्नी चुगने वाला जब आईफा होके आया था तो वहीं से किसी ने डस्टबिन का रास्ता दिखाया था क्या? लल्ला तुम जो गाली खाते हो ना वो तुम अपनी हरकतों की वजह से खाते हो। पन्नी चुगने वालों को और पंचर वालों को कम से कम उनको बदनाम मत करो, वो मिलियन टाइम्स बेटर ह्यूमन होंगे तुमसे। और स्पेशली धारावी वाले जिन्होंने सही समय पर तुम्हारी बीमारी को पहचान के तुम्हारा इलाज स्टार्ट कर दिया था। मेरा सगा भाई है डी अब्दुल जो है, मेरा सगा भाई है, मेरा खून है। इतना गंदा कैसे भाई ये? गटर में बहता है क्या? मैं उसको मना किया कि मत कर पर वो बोला कि मुझे तो हर्ट हुआ है, मैं तो बोलूंगा। ऐसा रैपर अभी देखो, लोगों की तो कम्युनिटी हिप हॉप की अलग रहती है। रैपर कैसे हो गया भाई वो? COVID-19 रिलीजियस और पॉलिटिकल टैग लगा के तो वो व्यू ले रहा है और हिप हॉप और रैपर हो गया। एक काम करो तुम दोनों भाई को स्किल शेयर पे या यूडमी पे कोई कॉमन सेंस की क्लास ज्वाइन कर लो। स्कूल में तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को लग रहा है धारावी में तुम कोई अच्छे स्कूल में नहीं गए। तो वो मुझे बोला मैं जब तक किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा हूं, किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा हूं। जो बंदा पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक पे अपने अधूरे ज्ञान का विश्वमन करके खुद को रैपर बोल रहा है उसका भाई तुम कैसे विश्वास कर सकते हो किसी चीज का? वो उसका पर्सपेक्टिव था, मैं अभी तक उसके सब प्रोजेक्ट में उसके साथ खड़ा रहा हूं, पर ये गाने के लिए मैं उसको मना ही कर रहा था। मैं उसको समझाया कि भाई कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उड़ के कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कीचड़ पे वीडियो बनाओ तो आधी रात को कीचड़ फोन के थ्रू आपके ऊपर आ जाता है। अभी भी चैलेंज है। और गाइस आप लोग भी बोलो, ये एक अच्छा कॉज के लिए मैं बोल रहा हूं, सोशल कॉज के लिए। लीगल फाइट हो जाए एमएमए की, पहले तो किकबॉक्सिंग और एमएमए बोला था पर अब एमएमए ओनली। मैं समझ गया, इसको भाई प्रचुर मात्रा में पीटना है। तो लल्ला एक काम करना, डीएम मी, मैं प्रबंध करता हूँ, ठीक है? मैं तो तेरे वेट का नहीं हूँ लेकिन मैं तेरे वेट का खिलाड़ी लेके आऊंगा तेरे लिए इधर ही अपने स्टेडियम में और तेरा पक्का इलाज करवाएंगे। ऐसे धारावी के लोगों की तरह कच्चा इलाज नहीं होगा, पक्का 100% गारंटी के साथ।